हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने संतकालीन कला को पढ़ा था, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम संतकालीन कला के एक अन्य टॉपिक को, हम इल्तुतमिशकालीन स्थापत्य कलाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मकबरों की, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसको है, तो वह किसको है? इल्तुतमिश को है। किसको है? इल्तुतमिश को। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये गुलाम वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक है, किससे? गुलाम वंश से संबंधित है। और इससे पहले आपने किसको पढ़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। वह भी किससे संबंधित है? गुलाम वंश से संबंधित थे। इल्तुतमिश की बात करें तो यह एक क्या थे? तुर्की थे। कौन थे? तुर्की थे। तो हम कह सकते हैं कि तुर्क सुल्तानों द्वारा, किनके द्वारा? तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा है। कौन सा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। या मकबरा निर्माण, मकबरा प्रथम मकबरा किसने स्थापित कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित पहला मकबरा कौन सा था? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। ठीक है, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि पहला मकबरा किसने स्थापित कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इसे इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये गुलाम वंश से संबंधित, और यह एक तुर्क है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अगर सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए, अगर जानेंगे तो ये क्या होता है? इसका मतलब, होता है गुफा का सुल्तान। सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुफा का सुल्तान। ठीक है, और इस मकबरा बनवाया था, इस मकबरे को इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। और किसकी याद में? अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। ठीक है, और कहाँ पर बनवाया था? तो कुतुब मीनार से कितने मील की दूरी पर? 3 मील की दूरी पर। कहाँ पर? दिल्ली में, मलकापुर में 1231 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार आप जानते हैं कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, और इसी से 3 मील की दूरी पर किसका निर्माण किया गया है? सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में किस क्षेत्र में? तो मलकापुर क्षेत्र में। ठीक है, कब किया गया है? तो 1231 में करवाया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया किसने था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और किसकी याद में? तो अपने ज्येष्ठ पुत्र, यानी अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में करवाया था। ठीक है, चलिए, यह मकबरा आकार में दुर्ग के समान प्रतीत होता है। आकार में अगर इसकी बात करें तो यह कैसा लगता है? कि दुर्ग के समान प्रतीत होता है। ठीक है, मकबरे की चार दीवारी के मध्य में, मकबरे की जो चार दीवारी यानी बाउंड्री है जो मकबरे की, उसके मध्य में क्या है? 66 फीट का आंगन है। कितने? 66 फीट का आंगन है। और आंगन के बीच में क्या है? अष्टकोण चबूतरा निर्मित है। ठीक है, जो धरातल में मकबरे की छत का काम करता है। ठीक है, आंगन में कहीं भूरे रंग का पत्थर तो कहीं संगमरमर का प्रयोग किया गया। अब देखेंगे क्या, मकबरे की चार दीवारी के मध्य में कितने फीट का आंगन है? तो 66 फीट का आंगन है। ठीक है, आंगन के बीच में क्या है? एक अष्टकोणीय चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, जो क्या करता है? धरातल में मकबरे की छत का काम करता है, यानी जो मकबरा है उसका धरातल जो है वो ये अष्टकोणीय चबूतरा ही है। ठीक है, आंगन में कहीं भूरे रंग का पत्थर यूज़ किया गया है तो कहीं संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इल्तुतमिश का मकबरा। अभी हमने किसका देखा? इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र का मकबरा देखा, जो कौन सा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अब हम देखेंगे इल्तुतमिश का मकबरा। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा, यह मकबरा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के समीप, या फिर कह सकते हैं कुतुब मीनार के समीप, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अभी देखिए कुतुब मीनार कहाँ है? यह भी दिल्ली में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, यह भी दिल्ली में। और ये किस क्षेत्र में है? तो मेहरौली क्षेत्र में ही है। ठीक है, तो ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के समीप है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ये कुतुब मीनार के पास में है। और किस कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। और दिल्ली में किस क्षेत्र में है? तो मेहरौली क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक कक्षीय मकबरा है। कैसा मकबरा है? यह एक कक्षीय मकबरा है। ठीक है, यानी एक कक्ष के समान एक मकबरा है। ठीक है, जिसका निर्माण किसने कराया है? इल्तुतमिश ने खुद करवाया था। ठीक है, और कब करवाया था? तो 1235 में करवाया था। ठीक है, तो
इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने खुद करवाया था, ठीक है। और ये कैसा मकबरा है? तो ये एक कक्षीय मकबरा है, ठीक है। और इसका निर्माण कब कराया गया? तो 1235 में करवाया गया था, ठीक है। यह मकबरा एक गुंबद से ढका था, बाद में गुंबद गिर गया। इसके बाद तुगलक वंश के शासक कौन आते हैं? फिरोज शाह तुगलक इसका गुंबद का निर्माण फिर से करवाते हैं, लेकिन वह गुंबद भी नहीं टिका, ठीक है। जो इल्तुतमिश का मकबरा है उसके ऊपर क्या है? एक गुंबद है, ठीक है। तो यह मकबरा किससे ढका हुआ था? एक गुंबद से ढका हुआ था। बाद में क्या होता है? यह गुंबद गिर जाती है, किसी भी कारणवश गिर गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब तुगलक वंश का शासन होता है, तब उस वंश के जो शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक, वह उसका क्या गुंबद का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। और जो इनके द्वारा जिस गुंबद का निर्माण किया जाता है इल्तुतमिश के मकबरे पर, वह गुंबद भी गिर जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि इस टाइम उनके मकबरे पर कोई गुंबद नहीं है, ठीक है। इल्तुतमिश के मकबरे के ऊपर आज भी छत या गुंबद नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा किसका मकबरा है जिसके ऊपर छत या गुंबद नहीं है? तो वह आप कह सकते हैं इल्तुतमिश के मकबरे के ऊपर, ठीक है। इस मकबरे का निर्माण पहली बार इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण पहली बार किससे किया गया है? तो लाल बलुए पत्थर से ही किया गया है, ठीक है। और यह मकबरा कितने 42 फीट वर्गाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इस मकबरे की बात करें कि ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 42 फीट के वर्गाकार क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और इस मकबरे का निर्माण किससे किया गया है? तो इस मकबरे का निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अतारकीन का दरवाज़ा। किसका? अतारकीन का दरवाज़ा। इसका निर्माण भी किसने कराया है? इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया है। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने कराया। और कहाँ पर करवाया है? तो नागौर राजस्थान में करवाया है, ठीक है। इसी दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो दुनिया का सबसे ऊँचा दरवाज़ा माना जाता है। इस दरवाजे का निर्माण इल्तुतमिश ने ख्वाजा अमीनुद्दीन नागौरी की याद में करवाया था, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, अतारकीन का दरवाज़ा। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। कहाँ पर करवाया था? तो नागौर राजस्थान में करवाया था। कहाँ पर? नागौर राजस्थान में करवाया था। और किसकी याद में कराया था? ख्वाजा अमीनुद्दीन नागौरी की याद में। किसकी याद में? ख्वाजा अमीनुद्दीन नागौरी की याद में, ठीक है। ये हो गया आपका अतारकीन का दरवाज़ा। अब इसमें एक पॉइंट और था कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और किससे प्रेरित होकर करवाया था? अतारकीन के दरवाजे से प्रेरित होकर। तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, और जो दुनिया का सबसे ऊँचा दरवाज़ा माना जाता है। कौन? बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जामी मस्जिद। जामी मस्जिद, यह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह मस्जिद आपकी बदायूं में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया है, ठीक है। जो जामी मस्जिद जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, वह कहाँ पर है? बदायूं में, ठीक है। और तो जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? इल्तुतमिश ने करवाया है। और कहाँ पर करवाया है? बदायूं में करवाया है। अब बात करते हैं बलबन के मकबरे की। तो बलबन कौन था? तो यह इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्कानी चहलगानी का सदस्य था। और तुर्कानी चहलगानी क्या थी? 40,000 सदस्यों की एक सभा थी, ठीक है, जिसका यह सदस्य था बलबन, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद ये क्या हुआ था? यह उससे अलग हो गया था, ठीक है। ये देखते हैं बलबन के मकबरे के बारे में। तो बलबन का मकबरा कहाँ पर है? बलबन का मकबरा भी मेहरौली नई दिल्ली में स्थित है। यानी जिनकी बात करें वो सारी चीज़ें कहाँ पर है? नई दिल्ली या दिल्ली में ही है, ठीक है। तो इनका मकबरा कहाँ पर है? मेहरौली क्षेत्र में है। और कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वर्तमान में यह मकबरा खंडर अवस्था में। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन है जिसका मकबरा खंडर अवस्था में है वर्तमान में? तो आप कह सकते हैं बलबन का मकबरा। और यह कहाँ पर है? तो मेहरौली नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसे बलबन ने ही बनवाया था। और कब बनवाया था? 1287 ईस्वी में के लगभग बनवाया था, ठीक है। इस मकबरे में सर्वप्रथम क्या देखा जाता है? सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब देखा जा सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब
किसके मकबरे में देखा जाता है? तो बलबन के मकबरे में देखा जाता है, ठीक है। और बलबन के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो बलबन ने खुद करवाया था। कब करवाया था? 1287 में करवाया था, ठीक है। और इस मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब देखा जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लाल महल, इसे किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने ही करवाया था, ठीक है। और कहाँ पर? दिल्ली राय पिथौरा में करवाया था, ठीक है। तो लाल महल का निर्माण किसने करवाया? बलबन ने करवाया। और कहाँ पर करवाया? तो दिल्ली राय पिथौरा में करवाया था, ठीक है। तो आई होप आपको यह इल्तुतमिशकालीन कलाएँ अच्छे से समझ आ गई होंगी, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।